लेकिन फलाना तेरे का फार दे फलाना का फार मत फलाना बलचा थोड़ी का फलाना मो सामने जाके जवाब दे फारे खाती करे को हथियार लेके निकलो बा किससे वो होता है क्या किसी को मैं किसी को मना नहीं करता और जहां तक बोलने हो सकती है बट मैं उसको सम्मान एक बहन की तरह ही दूंगा क्योंकि वो मार्केट में तो बहुत जरूरी है किसी को सम्मान नहीं आपको क्यों कुछ बोलेगा बस यही विषय है बाकी कुछ नहीं खेसारी भाई एक सवाल है कि लकीर का नाम सुनते ही खेसारी लाल यादव का मुंह हो जाता है लकीर के बारे में सुनते ही तिल मिला जाता है हमेशा गर्म आ जाते हैं तिल मिला जाता है लकीर मेरे कहने का मतलब ये देखिए हमसे सीनियर सीनियर लोग हैं भाई हमारी शारदा सिन्हा जी हैं भरत शर्मा जी हैं मनोज तिवारी जी हैं बहुत सारे ऐसे सीनियर कलाकार हैं जिन्होंने जिनके रास्ते पे हम चलते हैं हमारे पास तो घर बनाने की औकात नहीं है और हम बोलते हैं कि सांसद ढोल बना देंगे पहले हम भोजपुरी को बड़ा करते उसके बाद दुनिया में जो खींचना होगा खींच देंगे पहले अपने भाषा को कम से कम कहीं ले जाकर बैठा दे भाषा को गरिमा पे बैठा दे भाषा को बड़े लेवल पे ले जाए आज ये भोजपुरी के लिए करोड़ों रुपया नहीं मुझे लगता है कि 200 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे इनका क्या लेना देना है इनका बिजनेस जरूर है लेकिन इनका एक उद्देश्य है कि ये भी यूपी से हैं और इनको भी चाहिए कि हमारा भोजपुरी बड़ा हो जाए तब ये 200 करोड़ रुपया 400 करोड़ या 500 करोड़ रुपया लगाते हैं भोजपुरी कलाकारों के अच्छा इन लोगों को बोलते हैं कि भाई तू बना तू अच्छा कर ये कर नहीं तो हमारे पास क्या औकात थी खेसारी लाल को नहीं जानते आप सब कि खेसारी लाल यादव को भैंस का चरवाहा था मैंने ऐसे 10 कलाकारों के घर में मैं नौकर भी रहा हूँ मैं अपनी औकात को जानता हूँ मेरी औकात यह है कि मैं कलाकार हूँ और आप सबका भाई हूँ और इसमें मैं खुश हूँ मैं कोई यकीन नहीं किसका है मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ मेरे कहने का मतलब बड़ा मैं तब बनता ना जब दुनिया बोलती अब 4 बजे करके पैदा पहले मैंने हुए हमने कहा कहता हम मोहम्मद रफी है और रोज हमारे संग घूमा था ना सब और कहा था ना सब कि ना ना भाई तारा इस समय में धरती पर पहले देखा भाई तो डायरेक्ट अंतरिक्ष से डाउनलोड हो गया विषय वो है ये नहीं है मेरे कहने का मतलब आप करो अपनी तारीफ कराओ करो बट उसमें किसी का नाम जोड़ कर कराओगे तो प्रॉब्लम तो किसी को होगी अब हम अपना घर पकड़िया होता नहीं कि फार दे चीर दे क्योंकि कोनो दिक्कत नहीं है लेकिन अब फलाना तरह का फार दे तो फलाना का फार मत फलाना बलचा थोड़ी का फलाना में सामने जाके जवाब दे फारे खाती करे को हथियार लेके निकलो बा किससे वो होता है क्या किसी को मैं किसी को मना नहीं करता और जहां तक बोलने की सवाल है भाई हमारा से ज्यादा भोजपुरी में क्यों बोलेगा क्योंकि हमको बोलने आता है हम पढ़े नहीं हैं, लड़े हैं समय से हम पैदल मुंबई का रास्ता चुने हैं फ्लाइट से नहीं गए तब हमें पता है कि मार्केट में कितनी दुकान है तब हमें पता है कि किस बाजार में क्या प्रॉब्लम है कैसे अपने जीवन को लेकर जाया जाता है तो जिंदगी में अभी आज राजकुमार सिंह थोड़ी बने इनसे खुद ही पूछिए राम है या कम से कम 50 रुपए भविष्य रख ले बड़े विषय वो नहीं है आज भी मैं तबेला पे जाता हूँ तो ओरिजिनल दूध मिलता है विषय वो नहीं है कोई कर्म बुरा नहीं होता है बस मेहनत होना चाहिए ये आदमी मेहनत करके इनको भी पता है अपनी औकात मुझे भी पता है अपनी औकात लेकिन आज आप लोगों का प्यार और सम्मान ही इनको भी बड़ा किया है मुझे भी और आने वाले भविष्य को भी बड़ा करेगा चाहे वो कोई भी दुनिया का आदमी बस इससे ज्यादा कुछ क्या कौन है और सबसे बड़ी चीज जितने भी मैंने उनको भरवाई चाहे वो मेरे सपोर्ट में बनाते प्लीज आप किसी को भी बोलिए अगर कोई मुझे गाली भी देता है ना तो उसको गाली मत दो आप उसको सम्मान दो आप सम्मान दोगे ना तो आज भी तो कल वो भी देख देख के सम्मान देना सीख ही जाएगा गाली बन गया हाँ गाली देके किसी का सम्मान मत करो भाई वो दे रहा है ना तो मैं सब अपने यूट्यूबर से कहना चाहता हूँ कि आप किसी को अगर सम्मान दो या कुछ कहो प्रतिक्रिया दो तो उसको गलत भाषा से प्रमोट मत करो प्लीज क्योंकि आप भोजपुरी भाषा को गाली दे रहे हो किसी कलाकार को दे रहे हो तो फिर खेसारी को नहीं बल्कि किसी को भी तो प्लीज आप लोग अपने शब्दों का चयन करके ही किसी के लिए बात करिए तो शायद हम भी बच जाएंगे हमारी भोजपुरी भी बच जाएगी तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूबरों को मसाला मिल चुका है अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारे क्रिएटर है उनके साथ कुछ रील बना दे श्वेता जी से पहले रेट पे बोलते हैं भाई जिसको खरीदना है वो हमसे सामने आकर खरीद आवे अरे हम देखते हैं बात हम उनके पास डर के मारे नहीं जाते हैं ना कि जैसे जाएंगे तुरंत हेलीकॉप्टर से घुमाने लगते हैं भैया भैया
भाई है वो, उनका कहना जायज है और उनको बुलाना पड़ेगा, उनके बुलाने पे मैं जाऊंगा। नहीं, वो मेरे बड़े भाई है, वो नहीं भी बुलाएंगे उसके बावजूद भी उनसे मिलने जाऊंगा, क्योंकि वो बड़े भाई है और हमेशा रहेंगे, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, धरती जब तक रहेगी कि सारी इस धरती पे जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो मेरे लिए सम्मानित थे, हैं और रहेंगे। तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि आपके साथ रहने वाले लोग मुझे गाली देते हैं और आप उनको सम्मान देते हैं, उनको डांटते नहीं। अब बताइए हमारे बेटा आगे तो गरिया या काफे को हटा कि ना एक नंबर काम बा भोगी के बपरे दू बेटा तो बोल के निकल जाइए लेकिन इलाज है बाप जी। प्रॉब्लम ये कि भाई आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होती है, बाकी कुछ नहीं। वो मेरे बड़े भाई थे हैं और कमाल के सिंगर हैं, मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, पूरी भोजपुरी सम्मान करती है भाई, इसमें कहने की क्या बात है। वो मेरी तारीफ करे या ना करे, वो तो मन से मेरा नाम ही नहीं लेते हैं, कभी नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मैं लेता हूँ भाई। वो उनका विषय है, उनको लगता है कि उनके बोलने से मैं बड़ा हो जाऊंगा, नहीं, मैं ऑलरेडी बड़ा हूँ, हाँ और रहूंगा, लेकिन वो मेरा विषय है। जो मेरे राजिया हमारी अलग है, क्वेश्चन है कि आप 8 साल पहले ही बॉलीवुड सॉन्ग गा चुके हैं लेकिन फिर भी लोग आज के लकीर लकीर की बात करते हैं, क्या आपका अपना तर्क खुद से अच्छा, सुनो सुनो बताओ नहीं सुनो बात मुझे नहीं खेल खेसारी लाल 8 साल पहले गा दे ठीक, आज अगर पत्थर को जो जामे ला तो ढोल और बदलावे ला कि ना बदलावे, 20 साल पर लड़का हो तो ढोल ना बजवाई बदलावे तो ढोल का दिक्कत पहले सब लोग। अच्छा बात है कि भोजपुरी भोजपुरी के कलाकार हिंदी में जाए मराठी में जाए, इससे भोजपुरी का थोड़ी भला होने वाला है, हमारा भला होता है अगर हम दूसरे स्टेट में काम करते। तो थैंक यू सो मच, आप लोग हद कर दी, राजा जी को प्रमोशन करो बगैर रही हर इवेंट में आप लोग आइए, आपका स्वागत है, और जिसके लिए भी बोलिए सम्मान जनक बातें को चयन करके बोलिए ताकि अपनी भोजपुरी की गरिमा बढ़े। थैंक यू सो मच। गाना तो नहीं चल रहा है, गाना भैया गाना बाबू पावर मत करी भैया